सो ओके गाइज, यहाँ पे आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ये वाला जो फोटो है गाइज ऐड करना है, जो कि गाइज मैंने आपको दे रखा है मेरी वेबसाइट पे, जो गाइज आप गूगल से सर्च कर सकते हो। सो अभी गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो फेस है गाइज वो यहाँ पे चेंज करना है, जो कि गाइज हम करने वाले पिक्सआर्ट के स्पेशल टूल्स के साथ। सो अभी यहाँ पे गाइज आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा गाइज, आपको यहाँ पे जाना है ऐड फोटो के अंदर, एंड एड फोटो में जाने के बाद गैस आपको इस तरह का एक पोज दे देना है अपनी पिक्चर में। यहाँ पे गैस आपकी जो क्लोथ्स है एंड बाकी पार्ट्स है बॉडी के गैस वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, आपका जो फेस का एक्सप्रेशन है गैस वो कुछ इस टाइप से रहने चाहिए, जो कि गैस आप इजीली दे सकते हो। तो अभी गैस आपको क्या करना है, आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है बॉडी का गैस उसे हम क्रॉप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रॉप वाले टूल पर जाता हूँ एंड यहाँ से मैं गैस इसे क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप होने के बाद गैस अभी भी हमारा जो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रह जाता है तो उसे गैस हम यहाँ पे इरेजर पे जाके इरेज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इरेजर वाले आइकन पे टैप कर देता हूँ एंड यहाँ पे गैस आपकी जो हार्डनेस है गैस वो रहेगी 92 के आसपास या 90 पे, तो यहाँ पे आपका जो साइज़ है वो थोड़ा बहुत कम रहना चाहिए। सो यहाँ पे गैस आप अच्छी तरह से इसे इरेज कर पाओगे। सो मैं यहाँ से गैस फटाफट से इसे इरेज कर देता हूँ। सो यहाँ पे गैस हमारा जो फेस है गैस वो बिल्कुल रेडी है। अभी गैस जस्ट आपको इसे प्लेस कर देना है इस वाले हेड पे एंड यहाँ पे गैस अभी बहुत सारे एडिटिंग स्टेप्स करने हैं, वो गैस आपको बिल्कुल ध्यान से देखने। सो ओके गैस, यहाँ पे हेड भी प्लेस हो चुका है। अभी गैस आपको यहाँ पे एक स्पेशल काम करना है, आपका जो गैस यहाँ पे फेस है गैस ये थोड़ा बहुत रेडिश टाइप का होना चाहिए, तो उसके लिए गैस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्रा टूल को। सो मैं यहाँ पे ड्रा टूल को विजिट कर लेता हूँ एंड ड्रा टूल में जाने के बाद गैस आपको कलर्स वाले आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे गैस ये वाला जो रेड है गैस आपको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको डन कर देना है। फिर ये करने के बाद गैस आपको जाना है ब्रश वाले आइकन पे एंड ब्रश पे जाने के बाद गैस आपकी जो हार्डनेस है गैस वो यहाँ पे रहेगी 19 या 20 पे एंड आपकी जो ओपेसिटी गैस वो रहेगी 100 एंड साइज को गैस आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। सो ये करने के बाद गैस अभी आपको अपनी इमेज को कर देना है जूम इस तरह से एंड आपका जो गैस फेस है गैस वो इस तरह से गैस इसे रेड कर देना है। यहाँ पे ये करने के बाद गैस आपको लेयर्स वाले आइकन पे जाना है, देन गैस इस वाले आइकन पे टैप करना है एंड यहाँ पे कर देना है इसे ओवरले। फिर गैस आपको इस तरह से इसे इसके जो ओपेसिटी गैस वो 24 पे रख देनी है। फिर यहाँ से गैस आप इसे इस तरह से कर सकते हो। करने के बाद गैस आपको कुछ इस तरह से कर देना है। सो यहाँ पे हमारा जो फेस है गैस वो थोड़ा बहुत रेडिश टाइप का हो जाएगा। सो अभी आप यहाँ पे गैस देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर गैस हमारा जो फेस है गैस वो रेडिश टाइप का हो चुका है, लेकिन गैस अभी भी इसमें बहुत कुछ काम करना है। तो मैं यहाँ पे डन पे टाइप करके अपने पिक्सआर्ट के मैन टूल्स पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद गैस आपको अभी गैस यहाँ पे रिटच वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड आपके जो आईज है गैस यहाँ पे उनको एडिट करना है। तो इसको एडिट करने के लिए आपको गैस यहाँ पे जाना है आई कलर पे। आई कलर पे जाने के बाद गैस आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये वाला जो आई है गैस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो इसको सिलेक्ट करने के बाद गैस आपको आई वाले आइकन पे टैप करना है इस तरह से। गैस आपको यहाँ पे जूम इन कर देना है इसे एंड यहाँ पे गैस आईज पे प्लेस कर देना है। गैस आपको सेम इसी तरह इस वाले आई को एडिट करना है, इसको भी गैस आपको इस तरह से प्लेस कर देना है। सो ये करने के बाद गैस अभी आपको जाना है इरेजर वाले आइकन पे एंड इरेजर की जो हार्डनेस है गैस वो इस तरह से कम रहेगी एंड साइज़ को भी आपको कम करना है। फिर गैस आपको नीचे से इस तरह से इसे थोड़ा बहुत ब्रश करना है। सो यहाँ पे गैस परफेक्टली मैच हो जाए। सो यहाँ पे गैस आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो गैस हमारे जो आईज है वो एडिट हो चुके हैं। अभी गैस आपको यहाँ पे कर देना है डन। सो ओके गैस, अब नेक्स्ट गैस हमें अपने जो फेस है गैस इसमें थोड़े बहुत वाउंडेज ऐड करने हैं। तो उसके लिए गैस मैं जाऊँगा यहाँ पे ऐड फोटो के अंदर एंड इस वाले पीएनजी को यूज़ करके एंड इसको प्लेस कर देता हूँ अपने फेस पे कुछ इस टाइप से। यहाँ पे प्लेस करने के बाद गैस इससे भी गैस काफ़ी डेंजरस लुक आ जाएगा हमारे फेस पे। तो ये प्लेस करने के बाद गैस आपको यहाँ पे जाना है ब्लेंड वाले ऑप्शन पे एंड इसे यहाँ पे गैस मल्टीप्लाई पे ब्लेंड कर देना है। सो फाइनली गैस यहाँ पे अपना जो लास्ट स्टेप है वो आ चुका है। अभी गैस आपको इसमें रेन इफेक्ट ऐड करना है, सो गैस यहाँ पे ये बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए। तो उसके लिए गैस मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐड फोटो के अंदर एंड आपके लिए गैस मैंने वेबसाइट पे ये वाला जो पीएनजी दे रखा है गैस जिसको आपको यूज़ करना है। लेकिन गैस इसे ऐड कैसे करना है, अभी गैस आपको इसे प्लेस कर देना है इस तरह से यहाँ पे। फिर गैस आपको जाना है यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे एंड स्क्रीन पे इसे ब्लेंड करके आपको एडजस्ट वाले आइकन पे जाना है एंड यहाँ पे आपकी जो शेडोज है गैस वो थोड़ी बहुत कम रहेगी। फिर गैस आपको डन वाले आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे जाना है इरेजर वाले आइकन पे, इन्वर्ट एंड देन रिस्टोर। फिर गैस आपको जो रिस्टोर की हार्डनेस है गैस वो कुछ इस तरह से 6-7 के आसपास रख देना है। यहाँ पे गैस आपको साइज़ को कुछ इस तरह से रख देना है। फिर हल्का गैस आपको यहाँ पर ब्रश कर देना है, इरेजर पर जाना है एंड यहाँ से गैस इसे एडजस्ट कर लेना है।
सो यहाँ पे गैस आप देख सकते हो गैस रेन ओवरले भी आ चुका है हमारे फोटो पे, जो कि गैस काफ़ी ऑसम लुक दे रहा है हमारे फोटो पे। सो ओके गैस, इस तरह से आप ये वाला जो कंसेप्ट है अपने फोटोज पे कर सकते हो, जो कि गैस काफ़ी ऑसम हो चुका है। सो गैस आई होप आपने इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को गैस जरूर सब्सक्राइब कर लिया हो। एंड गैस लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ गैस मेरे रिसेंट वीडियोज भी जरूर वॉच करें, वहाँ भी गैस आपको काफ़ी अच्छे कंसेप्ट देखने को मिल जाएंगे। सो मिलते हैं गैस आपको नेक्स्ट वीडियो में नई एक अमेजिंग वीडियो के साथ। सो गैस तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।